हाँ जी, ये कार वॉशर है, ये पंप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बना रहा है, तो आज हम इसको सही करेंगे। ये इसका गेज मीटर है, ये पंप है, और ये हम इसको खोल रहे हैं। ये पंप खुल गया है, हमने पूरा डिसेम्बल कर दिया है पंप को, देख सकते हैं आप सारे। अब इसमें हम बनाएंगे इसका प्रेशर। ये हम इसके सारे चैकोल निकाल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप चैकोल। ये कुछ चैकोल यहाँ पे भी है, ऑयल सिले हैं। सैम फिट कर रहे हैं, देख सकते हैं चाकोल हमने वापसी लगा दिए, इसमें सारे नए लगाए हैं। ये हमने इसका स्विच बाहर निकाला है, प्रेशर जो कट लगाता है इसमें ऑटोमेटिक, जिसलिए काम करता है ये भी वर्क नहीं कर रहा था ढंग से, तो हम इसको भी चेक करेंगे। हाँ जी, हम अब ये पंप फिट करने लगे हैं, इसको असेंबल करिए फटाफट। ये हम फिट कर दिया पंप, अब ये हम मोटर के ऊपर कसेंगे इसकी। ये हाथ यहाँ जाए। हम इसका ऑटो स्विच असेंबल करा है हमने, अभी हमने पूरा फिट कर दिया है पंप को। अब हम इसका प्रेशर चेक करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। अब ये हमने पूरा सेट कर दिया है इस पंप को, अब हम इसमें पाइप फिट करेंगे। हम पाइप फिट कर रहे हैं इसमें, अब हम चेक करेंगे अभी। हमने पाइप डाल दिया पानी में, अब हम चेक करेंगे। ये देखिए पंप चालू हो गया है, अब ये देखिए इसका प्रेशर कितना हो गया, एकदम तीर मार के आ रहा है पानी। ये देखिए कितना तेज प्रेशर आ रहा है इसका, ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये क्रॉप मीटर की आधा इसकी के मोटर है, इसके पीछे का बटन है, साइड जाओ ना, साइड करना पड़ेगा। ये हम सुपर इंजीनियरिंग गोविंदपुरी से साइड लेके आओ, जमीन
ये हमने रिपेयर करा है कार वॉशर पंप, मिनी मास्टर है। थैंक यू, धन्यवाद।